मीरापुर थाना स्थित राधानगर इलाके में हुई एक बेहद दर्दनाक घटना ने मानो इलाके को सन्न कर दिया हो। जिस किसी के कानों यह घटना पहुंची जाहिर है उसने दांतों तले अंगुली दबा लिया। दरअसल इलाके के 12 वर्षीय मासूम बच्चे की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। जी हां, 12 वर्षीय मासूम बच्चे की हत्या से दहला आसनसोल। मिली जानकारी के मुताबिक मृत बच्चे का नाम शरणदीप है, जिसके पिता भूपिंदर सिंह जमीन की खरीद बिक्री के व्यवसाय से जुड़े हैं। वहीं मृत बच्चे की माता को गुजरे कई वर्ष हो चुके हैं। सोमवार को बच्चे के पिता बाजार गए थे। जब वह बाजार से घर को लौटे तो घर में जो पाया वह देख उनके भी होश उड़ गए। दरअसल घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था और उनका बेटा शरणदीप खून से लथपथ अवस्था में नीचे फर्श पर पड़ा था। आनंद फानंद में बच्चे को आसनसोल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस हत्याकांड की घटना से इलाके के लोग सदमे में हैं। लोगों के जहन में एक ही प्रश्न उठता है कि भला किसी मासूम बच्चे के साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। फिलहाल इस पूरे हत्याकांड में हियापुर थाने की पुलिस ने हत्या के सिलसिले में शरणदीप के पिता भूपिंदर सिंह से पूछताछ में जुट गई है। देखिए दिल दहलाने वाली यह घटना आसनसोल से। जैसे तैसे करके हम पाल रहा था, पोस रहा था बच्चे को। आज 12 साल हो गया था बच्चे को हम अपने पास रखा। कोई शादी पे अगर हम सोचा ही नहीं कभी कि इससे शादी करेंगे या इससे शादी करेंगे। हम बच्चे के साथ ही खुश थे। हम प्रॉपर्टी लाइन का काम करता था, जो आ जाता था या कभी किसी को घर बेच देता था या फ्लैट बिक्री कराता था या ज़मीन बिक्री कराता था या किराए का मकान किसी को देता था। जो 5,000 आ जाता था, 6,000 आ जाता था, हम उसमें हंसता खेलता था। हम पैसा कमाने का कभी सोचा ही नहीं कि बच्चा छोड़ के यार कि हम पैसा क्या कमाएंगे। यही मेरी धन दौलत है। साहब बच्चे को ही खून तक निकाल दिया। आज आज क्या हुआ? आज 6:30 बजे हमको बोलता पापा, हम ही घर में कुकिंग कर रहे। हमको बोलता पापा एक काम करो, आज समोसा लेके आओ। आज जाके एक काम करना, सूजी दे ना, हमें हलवा खाएगा ना। हाँ बाबू, हम लेके आया। हमने को बोलता पापा जल्दी आ जाना। मैं हाँ बाबू, हम 10 मिनट में आ जाएगा। हम आगे भी ऐसे जाता था, बाहर गया, दुकान से सामान लिया, सूजी लिया, चीनी लिया। उसके बाद वहाँ से हम वृंदावन चला गया। वृंदावन जाके हम समोसा लिया, वेजिटेबल चॉप लिया। हम आया, मैं चलो यार, बच्चा बोला, हम लोग अपना बैठ के हम आया, दरवाज़ा खोला। हम बच्चा को जब हम गया तब मेरा साथ हंस रहा था, खेल रहा था। हम जब आया हम देखा, हम इसको बोला ना बाबू बाबू, हमको देख के जवाब नहीं दिया। तो आगे भी मेरे साथ ऐसी लुको चुरी करता था, कभी ये रूम में चला जाना, कभी वो रूम में चला जाना। हम उसको बोला ना बाबू नहीं, ऐसा मत कर यार, आ जा बाहर, बहुत हो गया बेटा। जवाब नहीं दिया। फिर हम ये रूम देखा, वो रूम देखा, उधर देखा, हार के हम देखा। जब नीचे में पड़ा हुआ तब उसका हाथ हम देखा, लाल लग, तो हम ऐसे टच करके देखा, देखा ब्लड लगा। यार ये क्या बात हो गया। हम फटाफट गया जाके अपना बाबा को बुलाया, अपना जेठू का लड़का को बुलाया। मगर देखो यार ये क्या हो गया यार, ये क्या करके लड़ गया यार, क्या हो गया यार। हम फटाफट से ताला लगा हुआ था, हम बाहर से ताला लगा, खिड़की खुला हुआ था पीछे से यार। हम जैसा भी हम लोग खिड़की खोल के या बंद करके रखता यार। आज क्या सोचा कि कोई मार दिया होगा? सर हमें एक बात बोलता, बहुत बड़ा बात नहीं बोलता, हम साधारण वर्ग का आदमी है। जब आदमी का मन बढ़ जाता है ना सर, ठीक नहीं होता, ठीक नहीं हुआ सर, आज ठीक नहीं हुआ। हम तो यार वैसे ही मरा हुआ जिंदा लाश की तरह चल रहा। बच्चे से मोह माया लगा के हंस रहा था, खेल रहा था। हम तो 10 साल पहले ही मर गया था यार, जब बीवी मरा हो रहा। मगर तकदीर ने आज हमको ना जीता लाश बना के ज़्यादा छोड़ दिया। क्या बोलेगा भगवान, क्या किया हमारा साथ में भगवान। इतना सारा जुलम करता आदमी तो नहीं किसी को मारता भगवान। बच्चा गरीब आदमी, अरे क्या भगवान ने क्या करके बैठ गया। हमको तो समझ में नहीं आ रहा यार, क्या हुआ, अरे क्या किसकी दुश्मनी, क्या कौन निकाला। मगर ठीक नहीं हुआ ये, आज ठीक नहीं हुआ बाबा। ठीक छोड़िए।